किसानों की फसल की बोली नहीं लगाई तो आक्रोशित किसानों ने मंडी सचिव के कार्यालय में ताला लगा दिया। भिंड मंडी कर्मचारियों और किसानों के बीच में झूमाझटकी हुई। आक्रोशित किसानों ने भरोली चौराहे पर चक्का जाम करने तैयारी कर ली, लेकिन देहात थाना प्रभारी ने समय रहते पहुंचकर किसानों को शांत कराया और मंडी पहुंचाया। मौके पर पहुंचे SDM उदय सिंह सिकरवार, नगर नवागत तहसीलदार नवीन भारद्वाज, CSP आनंद राय, देहात थाना प्रभारी रामबाबू सिंह यादव के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। SDM ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 48 घंटे में व्यापारियों को लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा। और अभी तक कोई व्यापारी नहीं आया, कोई बोली नहीं लगी। किसान आदमी परेशान होता है, किसान आदमी ट्राली ट्रैक्टर करके लाता, मतलब इन लोगों की मजदूरी जैसे सबके पास, तो किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है ना, तो सब लोग बता रहे कि 2-2 हज़ार का करके लाए और फिर वापस कल जाएंगे, फिर कल लाएंगे तो इनका 2-2 हज़ार से कितना खर्चा होगा। किसान आदमी तो एक एक पैसे के लिए परेशान होता है, और जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट वाले तो महीने का वेतन भी आता है, इनका बेचारों का तो ये खेती है। तो अभी स्थिति क्यों बिगड़ी है, क्या वजह रही है इसके पीछे? अब जब बोली नहीं लगी तो ये लोग हंगामा करने लगे, तो मैंने इनको कहा मेरे को हंगामा मत करो, मैं अब बात करती हूँ अधिकारियों से। तो मैंने SDM साहब को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा कि बोले भेज रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को भेज दिया। तो पुलिस को भेज दिया भी अगर कोई लड़ाई थोड़ी ना हो रही थी, क्योंकि ये इनकी बहन है, हम हमारे कहने से ये लोग रुके हुए थे, कभी हम हंगामा नहीं कर रहे थे ऐसा कि किसी को मारपीट कर रहा हूँ। पुलिस किसान के द्वारा चक्का जाम किया गया, आप कह रहे हंगामा नहीं किया, कहाँ किया, विजुअल है हमारे पास नहीं, तुझे मुझे तालाबंदी की गई है और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है, वहाँ से भगाया गया है, आप कह रही हैं? ये मुझे नहीं पता भैया, मैं यहाँ जो मंडी की बात है, अधिकारियों से बात हुई आपकी? मेरी अधिकारियों से बात हुई, मैंने SDM साहब को फोन किया, उन्होंने कहा पुलिस को भेजा है दीदी, तो पुलिस आए। अगर जो बैंक का तो लाइसेंस खत्म ही करेंगे, व्यापारी ही लेंगे तो आगे से व्यवस्था जमाएंगे उनके और सख्ती करेंगे, जहाँ भी बाहर वो स्टोरेज करेंगे वहाँ छापा मारेंगे, कार्रवाई करेंगे प्रशासन के सहयोग से, जिससे कि वो आगे से ऐसी दोबारा परिस्थिति ये लोग बाजार में खरीदते पाए जाते हैं तो कार्रवाई सब पे कार्रवाई करेंगे, जिससे दोबारा ऐसी परिस्थिति ना हो। आपके मंडी सचिव नहीं दिखाई दे रहे, इतना बड़ा मामला है, मंडी सचिव क्या पहले से छुट्टी पे थे? जी, चूंकि ऐसी परिस्थिति बन गई है। क्या उनको संज्ञान में दिया है? बिल्कुल संज्ञान में, कलेक्टर साहब से भी उनकी चर्चा हुई थी, SDM साहब से चर्चा हुई। आगे क्या निर्देशित किया? वो पहले तो उन्होंने यही दिया था कि जैसे तैसे बोली चालू कराओ, अभी जैसे व्यापारी नहीं आ रहे तो उनके अपन लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हैं, और जो भी अगर बाहर खरीदी करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। शुभ नाम क्या है सर? गिरिराज सिंह। कुछ पद क्या है? अकाउंटेंट। आज अचानक व्यापारियों ने यहाँ पर खरीदी नहीं करी है, अभी जो मौके पर हमको बताया गया है वो ये बताया गया है कि अचानक उन्होंने इतना ज़्यादा संख्या में जो किसान आ गए थे उसको देखते हुए उन्होंने खरीदी को नहीं रोका है। बाकी हमने उनको बुलाया है, चर्चा कर रहे हैं, और यदि उनका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है आज की खरीदी का तो हम निश्चित उनके लाइसेंसों को भी सस्पेंड करेंगे। जैसे कितने व्यापारी होंगे इनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई? देखिए, पिछले बार हमने 4 लोगों के किए थे, अब की भी संभावना यह है कि हम सरसों खरीदी के जितने हैं जिन्होंने किसानों को परेशान किया है आज, उनके हम लाइसेंस सस्पेंड करेंगे। इसके आगे और भी कोई खरीदी के लिए क्या किया जाए? बाहर के किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, जो कानून का जो अंतिम सस्त होता है उसका इस्तेमाल करें। बाहर के व्यापारी बुलाए जाएगा क्या? कोशिश करेंगे, आएंगे तो हम क्यों उनका स्वागत करेंगे। सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पे जो सरसों खरीदना चाहिए, किसान भी व्यापारियों को दे रहा है, सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच रहा है। नहीं, मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। हमारे सरकारी का खरीदी केंद्र तो चालू है? नहीं, खरीदी केंद्र पर कम है, रेट दाम कम है, रेट की वजह से है ना। तो ये तो किसानों की उसके भलाई के लिए ही है कि मार्केट में रेट ज़्यादा है, केवल आज 2-3 घंटे की कुछ समस्या हुई है, समाधान इसका निकाल दिया गया। लगभग सब सर कब तक समाधान हो जाएगा? देखिए, अभी हमें व्यापारियों को हम बुलाते हैं, उनकी क्या समस्या है, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हम इसको, क्योंकि सर सारक का समय चल रहा है, किसान फसल पर ही आश्रित रहता है। नहीं, बिल्कुल हम किसानों के साथ हैं और उनकी समस्या का हल कर रहे हैं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।